देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बीजेपी ने छिड़े कांग्रेस के 14 में से 9 गढ़, तो आपने भी पहुंचाए बड़ा नुकसान। कभी नहीं हारने वाली सीटों को भी गवा बैठी पार्टी। गुजरात में 12 दिसंबर को सातवीं बार सरकार बनाने के लिए तैयार बीजेपी। 20 कैबिनेट मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल के लेंगे सीएम पद का शपथ। पंद्रह अगस्त तक पूरे देश में खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र, लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, वाहनों से टकराई छात्रों से भरी कार, 5 की मौत। तेलंगाना के रेड्डा रेड जिले में गुंडागर्दी के हथपार, 100 से ज्यादा लोगों ने घरों में घुसकर किया युवती का अपहरण, सामने आया वीडियो। चौबीस में विशाखापट्टनम से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीबीआई अधिकारी वीवी लक्ष्मी नारायण, की दावेदारी की घोषणा। श्रीनगर का यूनेस्को हेरिटेज टैग खतरे में, सर्वे में दावा 2 दशक में 42 स्थल नष्ट, 6% सिर्फ खंडहर बचे। बिहार में फिर मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी, समस्तीपुर में 42 साल के टीचर और 20 साल की छात्रा में हुआ प्यार, शादी। हिमाचल को 2 दिन में मिलेगा नया सीएम, हाईकमान को आज रिपोर्ट सौंपेंगे ऑब्जर्वर, आखिरी फैसला प्रियंका गांधी के हाथ में है। सुशील जी निकाय चुनाव रोकने में असफल हुई बीजेपी, ललन सिंह का हमला, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों की घर वापसी, 11 घंटे पहले ज्वाइनिंग थी आम आदमी पार्टी, हाथ जोड़कर राहुल गांधी से मांगी माफी। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचा साइक्लोन मैंड्रूस, राज के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी, 131 सालों में 13वां साइक्लोन। चार 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसे बच्चे की मौत, रेस्क्यू टीम ने 84 घंटे बाद बाहर निकाला शव, 39 फीट की गहराई में फंसा था। तलाक पर केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईसाई कपल को डाइवोर्स के लिए साल भर तक अलग रहना जरूरी नहीं। असम के सीएम बोले बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम कई शादियां करें, हम 25 बच्चे पैदा करने को तैयार लेकिन खर्च अजमल उठाएंगे। शिक्षक एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटर बनाने का आरोप, 100 से अधिक फर्जी वोटरों की लिस्ट झांसी कमिश्नर को सौंपी होगी जांच। लखनऊ में महिला पर 7 कुत्तों का हमला, अपार्टमेंट के कैंपस में इवनिंग वॉक कर रही थी, पैर में काटा। सहारनपुर जेल में युवक की मौत पर उठे सवाल, गले पर कैसे आए रस्सी के निशान, सरेंडर के 36 घंटे के अंदर कैसे मौत हो गई। इथियोपिया से वतन वापसी पर परिजन हुए खुश, पिता के आजमगढ़ पहुंचने पर बेटी बोली बहुत खुश हूं, अब घर में त्योहार जैसा माहौल।
बरेली मेयर की कुर्सी के लिए लखनऊ में डेरा मेयर उमेश गौतम अपनी सीट बचाने में जुटे, दूसरे भाजपाई खुद के लिए लगा रहे ताकत। बीएचयू में फेल छात्रा को बना दिया गोल्ड मेडलिस्ट, दीक्षांत से पहले छात्र बोला सबसे ज्यादा स्कोर मिला मगर नहीं मिल रहा है पदक। बदायूं में पुलिस पर पथराव, जमकर चले लाठी डंडे, 6 पुलिसकर्मियों को लगी चोट, पेट्रोलिंग के लिए निकली थी टीम। आजमगढ़ में किन्नर ने रचाई लड़के से शादी, 1.5 साल पहले परवान चढ़ा था प्रेम, भैरवा बाबा का साक्षी मान कर लिए अग्नि के फेरे। नोएडा पुलिस के 110 बकरा और बकरियां गायब, 2021 में पुलिस ने पिकअप से पकड़े थे बकरे, कोर्ट के आदेश के बाद करने हैं वापस। अंबेडकर नगर की 902 ग्राम पंचायतों में ठप है पक्के काम, ग्राम पंचायतों के कामों में 17 करोड़ बकाया, प्रधान अधिकारियों को लगा रहे चक्कर। बरेली में नाबालिग से रेप के प्रयास का आरोपी अरेस्ट, घर में घुसकर किशोरी से जबरन किया दुष्कर्म। एएमयू की कश्मीरी छात्रा हुआ लापता, सिटी स्कूल में 10वीं का छात्र है नदीम तारीन, हॉल में मौसेरे भाई के साथ रहकर करता था पढ़ाई। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस, चस्पा इंद्रनगर में घर पर चिन्हट और फार्म हाउस पर पुलिस ने लगाया तलाश तेज। निकाय चुनाव के लिए तय हुई अधिकारियों को जिम्मेदारी, कानपुर में हर एक अधिकारी 6 वार्डों में कराएंगे चुनाव। उन्नाव में माघ मेला में 24 दिन बंद रहेगी ट्रेनी, 6 जनवरी को हमला और 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा अंतिम स्नान। काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई जाएगी, रेल मंत्री वाराणसी जंक्शन पर बोले 12 से 13 महीने बनने लगेगी स्लीपर वाली वंदे मातरम। कुशीनगर में जीएसटी टीम के भय से बाजार बंद, व्यापारी 5 दिन खोल रहे दुकान, बोले बिना वजह किया जा रहा है परेशान। एक साल के लिए बंद किया गया रास्ता वाराणसी और भदोही के बीच कंदिया रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया जाएगा आरओबी। परिवार के साथ अमरोहा पहुंचे अभिनेता मनोज बाजपेयी, ब्रजघाट में किया मां का अस्थियों का विसर्जन। ललितपुर में युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, बड़े भाई ने कहा खुद छोटे ने मारी गोली। जुबैर के घर से चल रहा था नशे का धंधा, मुरादाबाद में ड्रग विभाग ने छापा मारकर जब्त की 2400 बोतल कोडिस्टर सिरप। औरैया में नहर में गिरी बाइक, दो भाई घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर में सड़क हादसे में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली एसएसपी ने 18 थाना प्रभारी के कार्यक्षेत्र बदले, कानून व्यवस्था न संभाल पाने में 5 इंस्पेक्टर चार्ज से हटाए। रायबरेली में नाती ने बुजुर्ग को बनाया बंधक, 15 दिन बाद जमीन का बैनामा करने ले गया तहसील, पुलिस ने कराया मुक्त।
ताज नगरी आगरा में मोटरसाइकिल सवार अपराधी हुए बेखौफ। सेंट वॉसेज स्कूल से लौटते वक्त महिला के साथ एमजी रोड पर हुई लूट। गोंडा में स्टेट जीएसटी टीम के जिले कई जगह में छापेमारी की छापेमारियों में व्यापारियों से जबरदस्त खलबली मची। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी सभी की फरियाद, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। लखीमपुर खीरी में किसान नेता की आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। किसान नेता श्यामू शुक्ला ने किया आत्मदाह करने का प्रयास। निकाय चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस। पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने के बाद चुनाव की तैयारी तेज। कांग्रेस की पुरानी टीम कराएगी निकाय चुनाव। उत्तराखंड के काशीपुर में नाबालिगों को मां का इलाज कराने के नाम पर पति पत्नी के ले गए राजस्थान दिव्यांग से कर दिया सौदा। उत्तराखंड में कोहरे व पाले से प्रदेश में और लुढ़केगा पारा। अधिकतम तापमान में आएगी कमी। उत्तराखंड में ट्यूशन से बचने को पांचवी की छात्री ने बनाई प्लानिंग। घर वालों के उड़े होश, दिनभर दौड़ती रही पुलिस। उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी करधारों को दिया सफलता का मूल मंत्र। कहा जो भी बने भारतीयता बनाए रखें। उत्तराखंड की महिला अध्यापिका की कनाडा में हत्या। पति ने चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। गिरफ्तार। उत्तराखंड में कैफे काउंटर से कोल्ड ड्रिंक लाने पर हुआ विवाद। छात्रों के दो गुट भिड़े, एक छात्र के सिर पर मारी कांच की बोतल। उत्तराखंड में रुड़की कैंट बोर्ड में सीबीआई विशेष टीम का छापा। चीफ पार्सल सुपरवाइजर के घर भी छानबीन। उत्तराखंड में मेहंदी के दिन खुली पोल तो दुल्हन ने तोड़ी शादी। मंडप की जगह थाने पहुंच गया दूल्हा। उत्तराखंड में पत्नी की इच्छा के खिलाफ बनाए शारीरिक संबंध। आईटीबीपी के जवान को 2 साल का कारावास। उत्तराखंड में यूपीसीएल बिजली बिल गबन की जांच रिपोर्ट का फिर होगा परीक्षण। निदेशक स्तर पर गई फाइल। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हाथियों से की जा रही गश्त। उत्तराखंड पीसीबी ने एनओसी रद्द करने पर प्लास्टिक उद्योग संगठनों से स्टे के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका। उत्तराखंड में भोजन माता संगठन ने दायर की है याचिका। हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब। पति ने फोन पर बात करने से किया मना तो आग बबूला हुई पत्नी। शादी के 10 दिन बाद ही मौत को गले लगा लिया। उत्तराखंड यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह की जमानत फिर नामंजूर। एक बार पहले भी याचिका हो चुकी है खारिज। शी जिनपिंग के पास सेना का पूरा कंट्रोल। अब केवल चीन ही नहीं कम्युनिस्ट पार्टी की भी पूरी वफादारी करेगी मिलिट्री।
इमरान की पत्नी का ऑडियो लीक, पूर्व पीएम के दोस्त से कहा खान साहब के पास कई रिस्ट वॉच, प्लीज इन्हें बिकवा दीजिए। यूएनएससी में मानवीय सहायता देने के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, पाकिस्तान को बताया कारण, कहा आतंकी उठाते हैं फायदा। अमेरिका ने भारतीय समेत दो व्यक्तियों पर लगाए प्रतिबंध, उत्तर कोरिया के लिए काम करने का आरोप। भारत में होने वाली G20 समिट में पुतिन ने आगे आने की संभावना प्रबल, इस साल बाली में हुई सम्मेलन से बनाई थी दूरी। दुल्हन को शादी में तोहफे में गधा, पाकिस्तान के यूट्यूबर ने नई नवेली पत्नी को बेबी डंक किया गिफ्ट। गोली मारने में भी भेदभाव कर रहे ईरान के सुरक्षा बल, पुरुषों की पीठ और टांग तो महिलाओं के निजी अंगों पर कर रहे हैं पैलेट गन से हमले। ₹2000 करोड़ के नुकसान की आशंका, रूस के बड़े शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, एक की मौत। बाइडेन के भाषणों का हिंदी में होगा अनुवाद, व्हाइट हाउस ने माना भारतीय मूल के अजय जैन का सुझाव। रूस पर परमाणु हमला करने वाले देश का धरती से नामो निशान मिटा देंगे पुतिन की जहरीली चेतावनी। म्यूचुअल फंड में निवेश में पहली बार 40 लाख करोड़ पार, बीते चार सालों में 24 लाख करोड़ 40.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। ट्विटर डिलीट करेगा 150 करोड़ अकाउंट, मस्क बोले बिना इस्तेमाल करने वाले अकाउंट हटाकर स्पेस फ्री करेंगे। भारतवंशी निहार मालवीय होंगे पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ, कंपनी ने जारी किया बयान। एयर इंडिया बोइंग से 150 विमान खरीदेगी, 737 मैक्स जेट विमानों के लिए होगा सौदा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकार की कार्रवाई, डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सौदों को किया निलंबित। सीएवी अनंत नागरेश्वर का बड़ा बयान, बोले सरकारी कंपनियों ने बहुत निवेश किया, अब निजी क्षेत्र को खर्च बढ़ाने की जरूरत। नौ माह के निचले स्तर पर आ सकती है खुदरा महंगाई, यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में बढ़ाई परेशानी। डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से सोना 30 रुपए टूटा, चांदी 558 रुपए मजबूत। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारतीयों का बोलबाला, 3 महीने के अंदर हुए 38,320 अरब रुपए का लेन देन। दुनिया भर की कंपनियों में छठनी, भारतीय कंपनियों में 83.5 पाकिस्तान में टेस्ट के नतीजे निकालना सबसे मुश्किल, 47% मैच ड्रॉ पर समाप्त होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ प्रतिशत सबसे कम। उनादकट की 12 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में चोटिल शमी की जगह लेंगे, 2010 में खेला था टेस्ट।
महिला आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचेगा बीसीसीआई। कंपनियां 31 दिसंबर तक खरीद सकेंगी। टेंडर डॉक्यूमेंट, टीमों की नीलामी भी जल्द होगी। भारत ए ने जीती अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश ए को दूसरे टेस्ट पारी में 130 रन से हराया। अर्जेंटीना की जीत के बाद गुस्से में नजर आए लियोनेल मेसी। नीदरलैंड कोच लुइस वैन गाल पर जमकर निकाली भड़ास। पांच बार का वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील बाहर। क्रोएशिया ने शूटआउट में हराया। रोड्रिगो और मैक्रिनोस मिस कर गए पेनल्टी। मेसी के अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंची। पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को 4-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने चेंज किया 173 का टारगेट। मोनी बैगरा ने 56 बॉल में जोड़े 100 रन। अर्जेंटीना बनाम नीदरलैंड्स मैच के दौरान बड़ा हादसा। अमेरिकी फुटबॉल जर्नलिस्ट ग्रॉट वाहल का निधन। रोहित की जगह ईश्वरन टेस्ट टीम में शामिल। समीर जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं सैनी और सौरभ कुमार। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा। ट्रेडिशनल लुक में आई नजर। सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ। विकी डोनर 2 में काम करना चाहते हैं आयुष्मान खुराना। बताए रोडीज 2 में टास्क के दौरान डोनेट कर चुके हैं इस पर। ट्रैफिक से बचने के लिए सारा ने पकड़ी लोकल ट्रेन। वीडियो शेयर कर बोली आज हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। बिग बॉस में पहुंचे शहनाज गिल। सलमान खान के साथ रोमांटिक गाने पर किया डांस। पहली मुलाकात को किया याद। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में लगा बी टाउन स्लिप्स का मेला। कार्तिक आर्यन से लेकर तमन्ना भाटिया तक इवेंट में पहुंचे कई सितारे। गर्व है कि मैं राज कपूर का पोता हूं। रणबीर कपूर ने माना कपूर फैमिली की होने की वजह से आसानी से मिल गया काम। मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया अपना लाइफ मंत्रा। वीडियो शेयर कर लिखा हर दिन छा जाना चाहती हूं। बर्थडे के अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे धर्मेंद्र, करण जौहर, ऋतिक रोशन समेत ये सेलेब्स हुए स्पॉट। केआरके ने अजय देवगन के बारे में की भविष्यवाणी। कहा अगर बोला हिट हुई तो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे अजय देवगन। घायल होते होते बची अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी। सोशल मीडिया यूजर्स बोले गाड़ी मलाइका अरोड़ा तो नहीं चला रही थी। फिलहाल शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।